तो गाइस देख सकते हैं वीडियो की शुरुआत ही आज फटी हुई पतंग से हुई है हमारी। तो देखिए पतंग हमारी फट चुकी है, हमारी बहुत लंबी पतंग थी गाइस, हमारी पेच पे थी बिल्कुल पतंग, हम उतार के ला रहे हैं। टेपिंग तो हमने अच्छे से की थी बट पता नहीं कैसे फट गई, या तो मांझा लग गया गाइस इसमें आ गया हमारा और वो उससे पतंग फट गई, मालूम नहीं। पतंग उतार ली हमने, देखिए पूरी पूरी पतंग गाइस हमारी यहाँ पर उतर आई है और दिखा देते हैं हमारी, ये देखिए यहाँ से पतंग फटी है गाइस। तो देख सकते हैं अभी हम पेज पे आ गए, ब्लू सर्किल में हमारी पतंग रही, रेड सर्किल में आप लोगों को अपोनेंट की पतंग टावर के ऊपर दिख रही होगी, अच्छे से विजिबल हो रही होगी। तो देख सकते हैं गाइस हमारा ऊपर से हाथ है इस बार और अपोनेंट का है नीचे से हाथ। तो चलिए देखते हैं हम काटेंगे या फिर अपोनेंट हमारी काटेगा। अपोनेंट अंदर घुसता हुआ पूरा पूरा अंदर घुस रहा है, हमने ऊपर कर रखी है पतंग, हम ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं लेकिन अभी लेके जाएंगे गाइस, नीचे ही लेके जाएंगे क्योंकि वो इतना ऊपर पेज लड़ाने नहीं आने वाला, ये हमें अच्छे से पता है। तो गाइस देख सकते हैं ये हमने ऊपर ही ऊपर कर रखी है अभी तो पतंग, लेकिन वो गाइस बहुत ज़्यादा नीचे कर रहा है, आप लोग देख रहे हो बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है, हमें पतंग भी नहीं दिखेगी। तो फ़ायदा क्या, अब देखिए उसने थोड़ी सी उठाई है, हम ये नीचे गए, यहाँ पे नीचे गए हैं हम, देखिए नीचे आ गए हैं, उसने हल्की सी पतंग उठाई तो हम भी नीचे आ गए, हमने यहाँ पर चक्कर दिया, अपोनेंट भी चक्कर दे रहा, हमने बाहर की खींची अंदर की खींची, रोकी 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 बाहर की खींची रोकी, अपोनेंट ने जैसी खींची हमने अंदर की खींच के बहुत ही बेहतरीन अपोनेंट की यहाँ पे पतंग काट दिया गाइस। उसे एक्चुअली हमने चकमा दिया यहाँ पे, उसे हमने दिखाया ये कि हम बाहर की खींचने वाले हैं लेकिन रोक के हमने एकदम से अंदर की खींच दी और बहुत ही बेहतरीन पतंग अपोनेंट की काट दी। वो समझ ही नहीं पाए हम क्या खींचना चाह रहे हैं, बाहर की या अंदर की, और बहुत ही बेहतरीन हमने ये वाली पतंग पहला पेच काट दिया। तो चलिए गाइस ये रहा हमारा दूसरा पेच और दिख रही होगी आप लोगों को, ब्लू सर्किल में हमारी पतंग है ये जो है और रेड सर्किल में अपोनेंट की पतंग है। ये गाइस वही अपोनेंट है, काफ़ी नीचे करके पेच लड़ा रहा है, ज़्यादा ऊपर पतंग नहीं कर रहा, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे अपोनेंट ऊपर करते हुए हमारी पतंग ऊपर है, देखिए अपोनेंट ने कितनी नीचे घुस दिया गाइस, बिल्कुल नीचे करके लड़ा रहा है, पता नहीं क्या ही मज़ा आ रहा है, घरों में घुसा पड़ा है बिल्डिंगों के अंदर। तो धीरे धीरे गाइस हमने नीचे उतारी एक पतंग, तो ऑलरेडी हम इसकी काट चुके हैं और ये दूसरा पेच है हमारा, देखिए हम नीचे ले आए हैं और देखिए हमने इसके हाथ की तरफ खींची रोकी और बिल्कुल नीचे मारी है गाइस निकलती हुई हल्की सी, हमने मारी तो नीचे की थी लेकिन हमारी पतंग हल्की सी बाहर की निकली और बहुत ही बेहतरीन मुड्डा बन गया और बहुत ही प्यारी पतंग अपोनेंट की दूसरी भी हमने काट दी है। तो काई पोचे कर दिए हैं दो पतंगें हमने, बहुत ही बेहतरीन अपोनेंट की काट दी है। और ये रहा तीसरा पेच, इसमें देखते हैं गाइस हमारी जाएगी या फिर हम अपोनेंट की काटेंगे। तो देख सकते हैं ब्लू सर्किल में आप लोगों को दिख रही होगी हमारी पतंग है ब्लू सर्किल वाली और रेड सर्किल में अपोनेंट की पतंग है, अभी रुकी है अभी आप लोगों को दिखेगी, अभी वो थोड़ी सी ऊपर है फ्रेम से बाहर है गाइस अपोनेंट की पतंग अभी। तो बस नीचे जैसे ही आती है आप लोगों को अपोनेंट की पतंग भी दिखाते हैं, बाकी आप हमारी पतंग पे नज़रें रखिए। तो देखिए राइट सर्किल में अपोनेंट की पतंग रही लेफ्ट साइड और इस बार हमारा नीचे से पेच है गाइस, अपोनेंट का ऊपर से हाथ है, दो पेच हमने ऊपर से लड़ाए, अपोनेंट ने नीचे मारी, हमने रोक के देखिए यहाँ पर थपकियाँ लगाई थी लेकिन थपकियों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अपोनेंट ने पूरी नीचे खींची, नीचे खींच के रोकी और वहाँ पर थपकियाँ लगाई, हमने ऊपर की थपकियाँ लगाई फिर भी हम कट गए, पता नहीं कैसे कट गए गाइस। कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई तो गाइस मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो चलिए ये वाला पेज हम कट चुके हैं, दो पेज हमने काटे, तीसरा पेज बहुत ही गंदा हम कट चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, चौथे पेज पे आ गए हैं, ब्लू सर्किल में हमारी पतंग रही, रेड सर्किल में अपोनेंट की पतंग। इस बार देखते हैं गाइस हम कटेंगे या काटेंगे, दो पेज हम ऑलरेडी काट चुके हैं, तीसरा पेज हमारा कट गया था और ये है चौथा पेज आप लोगों के सामने। तो इस बार देखते हैं हम काटेंगे या फिर हम कटेंगे, पेज बहुत ही बेहतरीन हो रहे हैं यहाँ पर हमारे। तो देखिए हम यहाँ चक्कर देते हुए अंदर लिया पतंग, अपोनेंट की पतंग ऊपर ही ऊपर और देख सकते हैं थोड़ी कम विजिबल हो रही होंगी क्योंकि गाइस पेच काफ़ी दूरी पे लड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दूरी पे लड़ रहा है, हमारी छत से बहुत आगे पेच लड़ रहा है, इसलिए पतंगें थोड़ी सी कम विजिबल हो रही होंगी। तो अच्छी क्वालिटी करके वीडियो की आप तब देखें तो आपको विजिबल अच्छे से होगी पतंग। तो देखिए हमने अंदर की तरफ ली पतंग, अभी तो फ्रेम के बाहर है अपोनेंट की पतंग, ये हमने ऊपर उठाई, अपोनेंट की पतंग देखे फ्रेम में आ गई है, अब अपोनेंट ने अंदर की तरफ खींची, अंदर की तरफ खींची, हमने रोक रखी, अपोनेंट चक्कर दे रहा है, हम भी चक्कर दे रहे हैं, अपोनेंट ने चक्कर दिया रोकी रखी, हमने भी चक्कर दिया, अंदर की तरफ भर के आया अपोनेंट, अपोनेंट ने रोकी, हमने ऊपर मुड्डा उठा के दिया और देखिए यहाँ पर अपोनेंट ने फिर थपकियाँ लगाई, हमने खींची थी पतंग और बहुत ही बेहतरीन काट दिया। तो गाइस होता ये है कि अपोनेंट बिल्कुल नीचे नहीं लाना चाहता, हमें बिल्कुल ऊपर बुलाता और हम ऊपर जाते हैं झांसे में फंस के और वहाँ पे हमारी पतंग कट जाती है क्योंकि गाइस बहुत ऊपर की पतंग हमारी हो जाती है और अपोनेंट आसानी से नीचे खींच के दो तीन झटके मारता है और हमारी पतंग को ऐसे ही काट देता है। तो बहुत ही बेहतरीन हमारी पतंग यहाँ पर कट चुकी है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें।